कागज। ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और श्री लाल बिहारी मृतक की कहानी पर आधारित है, जिन्होंने 1975 से 1994 तक खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी कागज के खिलाफ संघर्ष किया। तो चलिए शुरू करते हैं Z5 ओरिजिनल फिल्म कागज। ये है आजमगढ़ का भरत लाल और ये इसकी वाइफ रुक्मणी। भरत लाल शादी पार्टी में बैंड बजाता है। आजकल काम ज्यादा है लेकिन इसकी दुकान छोटी। रुक्मणी सुझाव देती है दुकान बड़ी कर लीजिए, बैंड की टीम बढ़ा लीजिए, लेकिन इसके लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होगी। और भरत लोन लेने के लिए बैंक आता है। लोन के लिए कोई सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन इसका घर तो किराए का है, यानी इसे अपने गांव की जमीन प्लेच करनी होगी। अब भरत चाचा चाची के गांव खलीलाबाद पहुंचता है। वहां खानदानी जमीन में चाचा के साथ इसका भी हिस्सा है। ये जमीन के कागज निकलवाने सरकारी दफ्तर आता है, पर लेखपाल बताता है सरकारी कागज के हिसाब से भरत लाल 30 जुलाई 1976 को मर चुका है और इसके चाचा के कहने पर भरत की जमीन इसके चचेरे भाइयों देवीलाल और हरिलाल के नाम कर दी गई है। भरत ये सुन पगला जाता है, लेखपाल से ही लड़ पड़ता है और दफ्तर से निकाल दिया जाता है। भरत अब दौड़ा दौड़ा चाचा के घर आता है। इसे लगता है लेखपाल ने कोई गड़बड़ की है, पर चाचा कहते हैं बेटा हमारे 3 लड़के हैं, भाई साहब के गुजर जाने के बाद तुम तो अपनी माँ के साथ गांव छोड़ के चले गए थे, इसलिए पिछले साल हमने लेखपाल को पैसे खिलवा कर तुम्हें सरकारी कागज में मार दिया और जमीन को अपने बच्चों के नाम लिखवा लिया। भरत अपना हिस्सा वापस चाहता है, लेकिन चाची इसे यहाँ से चले जाने को कहती है। चचेरे भाई इसे धमकाते हैं, कागज में तो मर ही चुके हो, सच में भी मार दिया तो कोई केस नहीं बनेगा। भरत ये सुन जान बचाकर भागता है, अपने गांव आकर यारों दोस्तों को बताता है इस उम्मीद में कि कोई सुझाव मिलेगा, पर कोई इसे पागल कहता है तो कोई इसे भूत कहकर इसका मजाक बनाता है, पर कोई इसकी तकलीफ नहीं समझ सकता। अब भरत लाल सरपंच के पास आता है, पर वो कहते हैं जब लेखपाल ने ही लिख दिया कि तुम मर चुके हो तो कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी बीत जाएगी लेकिन खुद को जिंदा साबित नहीं कर पाओगे। अब भरत कचहरी जाता है, पहले तहसीलदार फिर DM, CM, गवर्नर सबको चिट्ठी लिखता है। ऐसा करते करते 3 साल बीत चुके हैं, 1980 आ गया है, पर हर एप्लीकेशन का एक ही जवाब आता है, जाके लेखपाल से मिलो। इस भागा दौड़ी में बैंड का काम बंद हो गया है, पैसों की तंगी बढ़ती जा रही है और इसी बीच रुक्मणी अपने दूसरे बच्चे को जन्म देती है। भरत लाल बेटी होने की खुशी में दावत देता है, लेकिन आस पड़ोसी यहाँ भी इसका मजाक उड़ाते हैं, तुम तो मर चुके हो, बच्ची के कागज में क्या लिखोगे, जिंदा या मुर्दा। अब भरत लाल ठान लेता है ये जिंदा होकर रहेगा, लेकिन अपने बच्चों का मजाक नहीं बनने देगा। अब ये कचहरी आता है, वकील साधुराम से मिलता है, वो बताता है तुम अकेले नहीं हो, तुम जैसे कई हैं जिनके साथ उनके रिश्तेदारों ने ऐसा किया है, इनसे मिलो। ये हैं भीष्म सिंह, ये कभी पितामह नाम के डाकू हुआ करते थे, सरकार के आग्रह पर सरेंडर किया, पर जेल काट के लौटे तब तक इनके अपनों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। साधुराम भरत से कहता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ो तो ही अच्छा है, बहुत वक्त और पैसा लगेगा, सबको खिलाना पड़ेगा, फिर भी जीतोगे उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन भरत खुद को जिंदा साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कचहरी का खर्चा उठाते उठाते नौबत यहाँ तक आ गई है कि दुकान बेचनी पड़ती है, कुछ महीनों में ये पैसा भी खत्म हो जाता है। रुक्मणी समझाती है क्या रखा है कागज में, हमारे लिए तुम जिंदा हो, अब छोड़ो ये कोर्ट कचहरी और कोई नया काम ढूंढ लो। लेकिन भरत हार नहीं मानना चाहता, वो MLA अशरफी देवी के सामने तख्ती लेकर धरने पे बैठ जाता है। अखबार में इसका लेख छप जाता है, पत्रकार सोनिया MLA से बात करती है, पर वो कहती है लेखपाल ही है जो इसकी मदद कर सकता है। जिंदा होने के इंतजार में कुछ साल और बीत जाते हैं, 1985 आ गया है। भीष्म सिंह जो पिछले 22 सालों से जिंदा होने के लिए लड़ रहा था, लड़ते लड़ते ही मर जाता है। भरत अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए हरि सिंह के बेटे सुशील को अगवा कर लेता है और हरि से कहता है अगर बच्चा वापस चाहते हो तो हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाओ, वरना सुशील को मार देंगे। हरिलाल दौड़ा दौड़ा थाने जा रहा है, पर अम्मा उसे रोकती हैं। अगर तुमने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो वह जिंदा साबित हो जाएगा, ये सब भरत की चाल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भरत अब मुर्गे के खून से सने कपड़े भेजता है ताकि ये लोग डर जाएं, पर चाची ये चाल भी समझ जाती है। भरत अब सुशील को लौटा देता है
और खुद को जख्मी कर आत्मसमर्पण करने थाने पहुंच जाता है। खुद ही कबूलता है, मैंने अपने भतीजे को अगवा किया था, लेकिन बिना परिवार वालों की शिकायत के दरोगा इसे गिरफ्तार करने से मना कर देता है। हरि और देवकीलाल विधायक जगनपाल को भी अपने साथ मिला लेते हैं। वो इन्हें आश्वस्त करता है इनकी जमीन कहीं नहीं जाएगी, उसने भी इसी तरीके से कई लोगों की जमीन हड़पी है। भरत अशर्फी देवी से मिलता है, वो कहती है आज से तुम अपने नाम के आगे मृतक जोड़ दो और भरत लाल मृतक बन जाओ, ताकि जो भी तुम्हारा नाम जाने तुम्हारी समस्या समझ जाए। वकील साधोराम इसके जैसे और कई मृतक ढूंढ लाता है और भरत लाल अशर्फी देवी की मदद से अपनी पार्टी अखिल भारतीय मृतक संघ बना लेता है। अशर्फी देवी ये मुद्दा असेंबली में उठाती है और सोनिया इसकी कहानी अखबार के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचाती है। भरत की मशहूरी से साधोराम वकील का काम तो अच्छा चल गया। वो इसे सुझाव देता है, जिंदा नहीं हो सकते तो क्या हुआ, भाभी जी को दफ्तर भेज विधवा पेंशन शुरू करवा दो, तुम्हारी पैसों की दिक्कत दूर हो जाएगी और क्या पता इससे सरकार तुम्हारी परेशानी भी समझ जाए। भरत रुक्मणी को लेकर ग्रामीण बैंक आता है। रुक्मणी विधवा पेंशन मांगती है, पर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख कोई इसे विधवा नहीं मानता। सब इस पर हंसने लगते हैं। रुक्मणी परेशान होकर अपने मामा को सब कुछ बताती है। वो बैंड बाजे का धंधा दोबारा शुरू करने के लिए भरत को पैसे देते हैं, पर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और रुक्मणी घर छोड़कर मामा जी के पास चली आती है। अशर्फी देवी के कहने पर भरत राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। हार तो निश्चित ही थी, पर इसका मकसद तो खुद को जिंदा साबित करना है। इलेक्शन से इसे बहुत मशहूरी मिलती है, अब ये हाई कोर्ट में केस करता है, हमने प्रधानमंत्री के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, अगर हम जिंदा हैं तो लिख के दीजिए और अगर हम मृत हैं तो इलेक्शन रद्द करवाइए। पर जज कहते हैं तुम्हारे जिंदा होने का केस दूसरी अदालत में चल रहा है और उसका यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यानी भरत लाल को यहाँ भी निराशा हाथ लगती है। साल 1992 आ चुका है, अब भरत विधानसभा में घुस पैम्पलेट उछालता है ताकि सब तक अपनी बात पहुंचा सके, लेकिन इसकी बात सुना तो दूर, पुलिस सरेआम इसकी पिटाई करती है और विधायक जगनपाल इसे पागल कहकर बाहर फिकवा देता है। आज की बेइज्जती के बाद भरत अब हिम्मत हार चुका है, ये रुक्मणी से सुलह करने आता है, हम ये सब चक्कर छोड़ देंगे, तुम हमारे साथ चलो। पर रुक्मणी कहती है आज अगर आप हार मान गए तो कभी चैन से नहीं जी पाएंगे, अब हम तुम्हारे साथ तभी आएंगे जब तुम जिंदा साबित हो जाओगे। भरत अब अपनी शव यात्रा निकालने की तैयारी करता है। ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। सोनिया भी अखबार के जरिए लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। भरत की शव यात्रा रोकने के लिए जगनपाल और इसके चचेरे भाई इसे मारने पहुंचते हैं। साधुराम और सोनिया भी सीएम से मिलने आते हैं। भरत लाल की रैली तहसील तक पहुंच जाती है। ये जबरदस्ती लेखपाल ऑफिस में घुसकर सरकारी कागज ढूंढ के जला देना चाहता है, पर पुलिस इन पर लाठी चार्ज कर देती है। भरत लाल को पकड़ के ले जा रही है और तभी साधुराम सीएम से सरकारी अध्यादेश लिखवा लाता है। भरत लाल अब सरकारी कागज में जिंदा हो चुका है। रुक्मणी बैंड बाजे के साथ भरत लाल को जिंदा होने की मिठाई खिलाती है और अब भरत लाल अपने जैसे मृतकों की मदद के लिए मृतक संघ कार्यालय खोलता है। दी एंड। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।